सीबीआई में मची उथल पुथल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज कोर्ट में सीवीसी ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट की 3 कॉपियां कोर्ट को सौंपी, लेकिन जैसे ही कोर्ट में सीवीसी की रिपोर्ट पढ़ने की बारी आई, वैसे ही कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को 16 नवंबर तक के लिए टाल दिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीवीसी की देरी से आई रिपोर्ट को लेकर नाराज है। दरअसल सीबीआई में चल रहे विवाद को लेकर 2 हफ्तों के भीतर सीवीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा सीवीसी ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के फैसलों की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी। हम आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के 2 शीर्ष अधिकारियों डायरेक्टर आलोक वर्मा और विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। अस्थाना ने वर्मा पर मीट कारोबारी मोइन कुरेशी से रिश्वत लेने के आरोप लगाए, जबकि वर्मा ने दावा किया कि अस्थाना भी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त हैं और मोइन कुरेशी से उन्होंने भी रिश्वत ली है। इस विवाद की वजह से दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजते हुए उनकी जगह नागेश्वर राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। जबरन छुट्टी पर भेजने को लेकर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।